दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे काले हिरण और बिश्नोई समाज के बारे में। तो आइए जानते हैं। 1998 में मारे गए दो काले हिरणों का मामला एक बार फिर से अभिनेता सलमान खान को परेशान कर रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को लगातार मिलने वाली धमकियों ने एक बार फिर काले हिरणों की हत्या से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद को जीवित कर दिया है। 1998 में अभिनेता सलमान खान पर अन्य लोगों के साथ जोधपुर के पास हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों का शिकार करने और उन्हें मारने का आरोप लगाया गया था। इस घटना से बिश्नोई समुदाय में व्यापक रोष फैल गया, जो काले हिरणों की पूजा करते हैं, और समुदाय के सदस्यों ने सलमान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। दूसरी ओर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो शायद तब 5 साल से ज्यादा का नहीं रहा होगा, ने सलमान खान से बदला लेने की कसम खाई। इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या काले हिरण की हत्या सलमान के प्रति लॉरेंस की दुश्मनी का मूल कारण है या गैंगस्टर इस दिखावे के जरिए अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिश्नोई समुदाय का काले हिरणों और चिंकाराओं से गहरा रिश्ता है। सिर्फ काले हिरण और चिंकारा ही नहीं, यह समुदाय शिकारियों और लकड़हारों से वन्य जीवों और वनस्पतियों की रक्षा के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समुदाय के लिए यह 550 साल पुराना रिश्ता है। बिश्नोई समुदाय के लिए काले हिरणों की रक्षा करना आस्था का विषय क्यों? बिश्नोई समुदाय, जिसकी स्थापना गुरु जंभेश्वर, जिन्हें जंबाजी के नाम से भी जाना जाता है, ने 15वीं शताब्दी के आसपास की थी, जो 29 सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। उनकी शिक्षाएं वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा और संरक्षण पर जोर देती हैं। बिश्नोई दर्शन के मूल सिद्धांतों में से एक है काले हिरण की पूजा उनके आध्यात्मिक गुरु जंभेश्वर के पुनर्जन्म के रूप में करना। समुदाय के एक सदस्य राम स्वरूप ने 2018 में इंडिया टुडे को बताया था, बिश्नोई कोई धर्म नहीं है, बल्कि गुरु जंभेश्वर के 29 सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का एक तरीका है, जिन्होंने 550 साल पहले बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। सिद्धांतों में से एक पेड़ों और जानवरों की सुरक्षा की वकालत करता है। हम जानवरों की रक्षा के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। हमारे समुदाय ने सलमान खान मामले में एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। हमारी महिलाएं परित्यक्त काले हिरणों को अपने बच्चों की तरह पालती हैं। बिश्नोई लोक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि जांबाजी ने अपने अनुयायियों को काले हिरण को अपना अवतार मानकर उसका आदर करने का निर्देश दिया था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स UCLA के इतिहासकार विनय लाल ने बिश्नोई पर अपने शोध पत्र में लिखा है, कहा जाता है कि बिश्नोई मानते हैं कि उनका पुनर्जन्म हिरण के रूप में होगा, जो शायद जानवरों को दी जाने वाली पवित्रता को आंशिक रूप से समझा सकता है। निश्चित रूप से लोक कथाओं के अनुसार जांबाजी ने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया था कि काले हिरण को उनका अवतार मानकर उसका आदर किया जाना चाहिए। बिश्नोइयों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आध्यात्मिक संबंध इतना गहरा है कि बिश्नोई इन जानवरों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के एक किसान और कार्यकर्ता अनिल बिश्नोई, जिन्हें 10,000 काले हिरणों और चिंकारा को बचाने का श्रेय दिया जाता है, एक बार एक जानलेवा स्थिति का सामना कर चुके हैं, जब एक शिकारी ने 5 काले हिरणों को मारने के बाद उनके सिर पर बंदूक तान दी थी। अनिल बिश्नोई ने काले हिरणों के लिए खुद को जोखिम में डालने के बारे में द बेटर इंडिया को बताया, मैं डरा हुआ था, लेकिन अगर इससे प्रजाति को बचाना था तो अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी था। शुक्र है कि टीम आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1630 में जोधपुर के पास खेजडली गांव में पेड़ों को कटने से बचाने के दौरान 362 बिश्नोई मारे गए थे। यह नरसंहार जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आदेश पर हुआ था। उनके सैनिकों को एक नया महल बनाने के लिए लकड़ी लाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए भेजा गया था, लेकिन अमृता देवी नामक एक महिला के नेतृत्व में बिश्नोई समुदाय ने इसका विरोध किया। अमृता देवी और अन्य लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए उनसे लिपटकर प्रतिरोध का साहसी कार्य किया। इस घटना को 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। बिश्नोई और काले हिरणों का रिश्ता क्यों है अमर है? बिश्नोई समुदाय का काले हिरणों और चिंकाराओं के साथ रिश्ता आध्यात्मिक श्रद्धा से कहीं बढ़कर है। यह एक गहरा सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रिश्ता है। सदियों से
बिश्नोई इन जानवरों के साथ सद्भाव से रहते आए हैं, अक्सर उनके संसाधनों को साझा करते हैं और उन्हें नुकसान से बचाते हैं। इंडिया टुडे ने 2018 की रिपोर्ट में बताया कि बिश्नोई लोग सूर्यास्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि वे काले हिरणों को खिला सकें जो उनके बीच स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के घूमते हैं। काले हिरण और चिंकारा थार के शुष्क भागों में मानव बस्तियों का एक अनिवार्य हिस्सा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स UCLA के इतिहासकार विनय लाल ने बिश्नोई पर अपने शोध पत्र में लिखा है, बिश्नोई गांवों को रेगिस्तान में नखलिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ पेड़ बहुतायत में हैं और हिरण बेखौफ घूमते हैं। प्रत्येक गांव में सूखे के समय हिरणों के उपयोग के लिए बाजरा और पानी का भंडार होता है। बिश्नोई महिलाएं काले हिरणों को भी स्तनपान कराती हैं। बिश्नोई महिलाएं खास तौर पर काले हिरण और चिंकारा को पालने के लिए जानी जाती हैं और अक्सर अपने झुंड से अलग हुए हिरणों को स्तनपान कराती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। इसलिए इन जानवरों की देखभाल करना एक ऐसा सिद्धांत है जो समुदाय की दिनचर्या का उतना ही हिस्सा है जितना कि यह एक धार्मिक कर्तव्य है। 1998 से चली आ रही यह कानूनी लड़ाई वास्तव में अपने आदर्शों की खोज में समुदाय के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। लंबी और कठिन कानूनी देरी के बावजूद समुदाय ने उस मामले में न्याय के लिए दबाव बनाना जारी रखा जिसमें सलमान खान एक संदिग्ध है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ही है जो समुदाय द्वारा चुने गए कानूनी उपाय के खिलाफ सलमान खान की हत्या करने की कस्में खा रहा है, जबकि गैंगस्टर का मकसद संदिग्ध है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी बिश्नोई समाज और काले हिरण के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।